बहुत पॉपुलर है, ये जंगल वाला बेड इसको बोला जाता है। आप इसकी थिकनेस देखेंगे तो कम से कम ये 8 से 9 इंच में इसको थिकनेस में रेडी किया गया है। ओ भाई साहब ये देखो जी, कुशन ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं, और किसी भी डिज़ाइन को, किसी भी प्रोडक्ट को आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कस्टमाइज करा सकते हैं। नेक्स्ट आइटम देखेंगे, ये हमारा 8 सीटर डाइनिंग टेबल सेट है जो कि केरला में कोची जाना है। अच्छा, ये वॉलनट फिनिश मैट फिनिश होगा। आप इसका लेग्स का कार्विंग वर्क देखिए, ये देखिए 8 फीट राउंड बेड बनाया है। मतलब ये तो यूनिक ही बनाते हैं सर, डिफरेंट। जी जी जी, ये विद स्टोरेज बॉक्स बनाया गया है। अच्छा, आप इसका थिकनेस देखिए, लगभग 5 से 6 इंच में इसको रेडी किया गया है। ये देखिए सोफा कम बेड, ये इसका ये ऐसे ओपन होगा, ये फिलहाल सोफा है, अभी स्पेस की वजह से मैं इसको पूरा खोल नहीं पाऊंगा। ब्यूटीफुल कार्विंग वगैरह डाला गया है, यहाँ पे कुशन आएगा। अच्छा जी, ओके, यहाँ पे कुशन आएगा, ये 42,000 में मिलेगा। क्या बात कर रहा हूँ सर, मात्र 42,000 में। तो यहाँ से यहाँ तक की डीप रखी गई है, वो 24 इंच रखी गई है। अच्छा, आप इसके ग्रेन्स देख सकते हैं। हमारे यहाँ जितना भी फर्नीचर मिलेगा वो प्योर ए ग्रेड टी कूड में मिलेगा। हमारे जो आर्टिस्ट है वो टोटल, हमारे यहाँ जितना भी कार्विंग वर्क होता है वो टोटल हैंडमेड रहता है। अच्छा, हैंड क्राफ्टेड रहता है ये। आप अगर देखेंगे ये हमारे कार्विंग के टूल्स रहते हैं। दोस्तों नमस्कार, आज की वीडियो हो रही है एक बार फिर से बहुत ज़्यादा शानदार। आज फिर से हम आपको ले आए हैं एक मैन्युफैक्चरर के पास, जहाँ पे देखिए आप लोगों को टीक वुड के देखिए ज़बरदस्त फर्नीचर्स की वैरायटीज़ मिल जाएगी। मतलब डायरेक्ट एक फैक्ट्री से देखिए आप लोगों को इस तरीके से देखिए एक से एक शानदार फर्नीचर्स मिल जाएंगे। मतलब अनलिमिटेड रेंज, अनलिमिटेड वैरायटीज़ देख सकते हैं इस तरीके से। हैंड वर्क में देखिए इस तरीके से कार्विंग वुड का फर्नीचर आप लोगों को शानदार मिलने वाला। तो सर हमारे साथ एक बार फिर से नमस्कार सर, कैसे हैं आप? सर बहुत बढ़िया, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, क्या धमाका कर रहे हैं और न्यू न्यू कलेक्शन एक बार फिर से ले आए। यस सर, क्या बात है। हम चाहते हैं कि जो रॉयल फर्नीचर है, जो अपने घर को रॉयल बनाना चाहते हैं, तो हम उसमें उनका सहयोग करना चाहते हैं कि ताकि उनका घर और सुंदर बन सके। बिल्कुल जी बिल्कुल, दोस्तों देख सकते हैं इस तरीके से वैरायटीज आप लोगों को अनमैचेबल देखिए इस तरीके से मिल जाएंगी। मतलब जो भी बनाते हैं धमाकेदार बनते हैं, और कार्विंग वुड में देखिए मास्टर्स दे रखा है सर का। और सर हमारे जो नए व्यवसाय उनको बता दीजिए कितना पुराना काम दे रखा है ये। सर हमारा लगभग 35 ईयर्स से काम है, हालांकि मेरी एज इतनी नहीं है। वैसे तो मैं एक इंजीनियर हूँ, एमटेक किया था मैंने 90 से, लेकिन हाँ हमारा पुश्तैनी काम है। पहले पापा करते थे, उससे पहले दादा परदादा, तो बहुत पुराना काम है, इसीलिए हमें इसमें बिजनेस में आना पड़ा। बिल्कुल बिल्कुल, तो आज आप आए हैं सहारनपुर में। बिल्कुल सर, सहारनपुर में जो चिलकाना रोड पे हमारा ये फैक्ट्री लोकेटेड है। तो अगर आपको किसी भी आइटम की रिक्वायरमेंट, चाहे होलसेल में चाहिए आपको, और चाहे देश में चाहिए, विदेश में चाहिए, तो हर जगह आपको होम डिलीवरी की फैसिलिटी मिलेगी, आपको आपका घर आपके फर्नीचर पे मिलेगा। मतलब इंडिया वाइज भी हम डिलीवर कर रहे हैं और ओवरसीज भी हम कर रहे हैं, इंडिया के बाहर भी हम भेजते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ओके। अच्छा सर एक रफ आइडिया बता दीजिए, जैसे मान लीजिए कोई सोफा वगैरह लेना चाहे, कोई बेड लेना चाहे, तो कार्विंग वुड में कितने से स्टार्टिंग मिल जाते हैं हमारे पास? सर हमारे यहाँ लगभग 7,000 पर सीट सोफा स्टार्ट हो जाता है बस। जी जी जी, अच्छा। और प्योर ए ग्रेड टी कूड में मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ जितना भी फर्नीचर रेडी होता है वो मोस्टली 95% हम लोग टी कूड में काम करते हैं। हालांकि टी कूड में ग्रेड्स आते हैं, लेकिन हम लोग सिर्फ ए ग्रेड में काम करते हैं, जो फर्स्ट टॉप क्वालिटी का रहता है। मैं आपको दिखाऊंगा अभी, जैसे कि अगर आप ये देखेंगे कि वो टी कूड के ग्रेन्स किस टाइप से विजिबल होते हैं, तो ये प्योर ए ग्रेड टी कूड है। अच्छा, इसके आप ग्रेन्स देखें, ये भी अच्छा, टॉप पे भी टी कूड ही लगा रखा है। जी 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 जी, अरे वाह। तो मैं आपको आगे जैसे जैसे वीडियो में आगे बढ़ेंगे मैं आपको दिखाऊंगा कि ये एक्चुअली आप देखेंगे जो अनफिनिश प्रोडक्ट दिखा रहे हैं। right. फिनिश प्रोडक्ट तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन हम लोग अनफिनिश दिखा रहे हैं जी। और आपको ये हम लोग प्रोसेस भी बताएंगे कि कैसे हमारा ये एंटीक रॉयल फर्नीचर रेडी होता है। बिल्कुल, इसलिए पहले आप जहाँ पर खड़े यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कि ये हमारा सॉलिड ए ग्रेड टी कूड का बेड है, आप देखिए कितनी ब्यूटीफुल नक्काशी के साथ इसको रेडी किया गया है। ये टोटल हमारे यहाँ जितना फर्नीचर मिलेगा आपको हैंड क्राफ्टेड मिलेगा, मतलब सारा हैंडमेड है ये, टोटल हैंडमेड मिलेगा। आप इसकी नक्काशी, ये अभी अनफिनिश है, लेकिन आप इसकी जो नक्काशी है, जो हाथों से कला की गई है, आप उसको देख सकते हैं, भरपूर देख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हालांकि ये जो सर मैं आपको व्यूअर्स को बताना चाहूंगा, ये बेड का हेडबोर्ड और फुटबोर्ड है। हाँ। ये हेडबोर्ड है और ये फुटबोर्ड, आप फुटबोर्ड पर देखिए कितनी जबरदस्त कार्विंग वर्क डाला गया है। और यहाँ पे जो आपको पोर्शन दिख रहा है, ये यहाँ पर इसका कुशन आएगा। हालांकि कुशन ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं, और किसी भी डिजाइन को, किसी भी प्रोडक्ट को आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कस्टमाइज करा सकते हैं, चाहे पॉलिश कलर है या वो साइज है।
जैसे कि उन्होंने बोला था कि फुट बोर्ड पे मुझे कार्विंग वर्क चाहिए, हेड बोर्ड पे मुझे कुशन चाहिए। हालांकि ये बेड विद स्टोरेज बॉक्स है, अच्छा। जाना है और ये जाना भी कर्नाटक में बेंगलोर है, अच्छा। तो अभी हमारे पास स्पेस की कमी होने की वजह से हमने सिर्फ हेड बोर्ड और फुट बोर्ड रखा हुआ है। मतलब साइज देखिए कितना हैवी साइज देखिए पूरा बना रखा है। सर हाइट क्या होगी? हाइट तो नियर अबाउट 6 फीट के आसपास है। ये मेरी हाइट जो है 5 फुट 5 इंच है, तो ये लगभग 6 फीट है, 6 फीट के आसपास है ना जी। ये किंग साइज में है, किंग साइज में। ये देखो जी, इस तरीके से आप लोगों को ए ग्रेड का टीकूट है पूरा, ये जी प्योर ए ग्रेड मिलेगा। देखिए जैसे कि सोफा सेट भी रखा हुआ है, ये 5 सीटर का स्ट्रक्चर है, ये 3+1+1 का स्ट्रक्चर है, अच्छा। ये डिको फिनिश होगा, ये जाना है हमारा नोएडा। आप इसके जो हैंडल है जी, इसका कर्व देखिए, मैं वही देख रहा हूं सर, ये देखिए जी। बाकी आपके पीछे भी दूसरा डिजाइन रखा हुआ है थोड़ा सा, और इससे अच्छी कार्विंग में आप इसके लेग्स पे नजर मारिए, अच्छा। ये देखिए कितना ब्यूटीफुल नक्काशी वर्क डाला गया है, क्या बात है। मतलब सारा हैंडमेड है, देख सकते हैं दोस्तों इस तरीके से। नेक्स्ट आइटम देखेंगे, ये हमारा 8 सीटर डाइनिंग टेबल सेट है जो कि केरला में कोची जाना है, अच्छा। ये वॉलनट फिनिश मैट फिनिश होगा, आप इसका लेग्स का कार्विंग वर्क देखिए, ये देखिए जी क्या बात है, क्या डेप्थ दे रखी है, क्या और कर्व इसके आप सेंटर में भी देखे, सेंटर पे भी हमने वहाँ पे पिलर डाला है, ये नक्काशी की गई है, ओके। हाथों से टोटल हमारे यहाँ जितना फर्नीचर बनता है हैंडमेड नक्काशी है। कहीं पे प्लाई का इस्तेमाल नहीं है? नहीं, हमारे यहाँ 100% टीकवुड। एक्चुअली हम लोग जो बनाते हैं सिर्फ प्रीमियम क्वालिटी फर्नीचर प्रोडक्ट ही बनाते हैं, क्योंकि हमारा मोस्टली एक्सपोर्ट होता है फर्नीचर, राइट। और हमारे साथ जितने भी जुड़े हुए हैं वो बहुत अच्छे लोग जुड़े हुए हैं, तो सारे ऑर्डर के ही माल होते हैं ये। सर हमारे पास सब टोटल ये जितना फर्नीचर देख पा रहे हैं अभी आप, ये सभी ऑर्डर का है। कोई वॉलनट जाना है, कोई डिको जाना है, कोई कैसे जाना है। जैसे कि आप ये डाइनिंग सेट दिखा रहे थे, इसकी जो चेयर है ये विद आर्म रखी गई है, क्योंकि क्लाइंट की डिमांड थी कि 8 की 8 चेयर मुझे विद आर्म चाहिए, अच्छा जी। अरे वाह। बाकी थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, जैसे कि हमारा ये बहुत सुंदर सा नक्काशी का हमने 8 फीट राउंड बेड बनाया है। मतलब ये तो यूनिक ही बनाते हैं सर, डिफरेंट। जी 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 ये हमारा चंडीगढ़ जाना है, अच्छा जी। चंडीगढ़ ये रोज गोल्ड फिनिश होगा, रोज गोल्ड फिनिश होगा। ये विद स्टोरेज बॉक्स बनाया गया है, अच्छा। आप इसका थिकनेस देखिए, लगभग 5 से 6 इंच में इसको रेडी किया गया है। और जो आप ये कार्विंग वर्क देख रहे हैं, ये टोटल ये इसके चारों साइड है, ये पूरा टीकवुड है, ये पूरा का पूरा सॉलिड टीकवुड है। जो बॉक्सेस बनते हैं वो प्लाई बोर्ड से ही बने इसलिए बनाए जाते हैं, क्योंकि फिर वेट बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक बात है जी। आप इसका हेडबोर्ड देखिए, हेडबोर्ड ये देखिए जी, ये देखिए आप कितनी बेहतरीन नक्काशी के साथ इसको रेडी किया गया है। इसकी थिकनेस देखिए, ऊपर से भी थिकनेस, कार्विंग वर्क देखिए आप इसका। दोस्तों यही देख सकते हैं, ये जो डिजाइन है ये बेसिकली काफ़ी टाइम लगता है और काफ़ी मेहनत लगती है सब चीज़ें बनाने में, आप समझ सकते हैं। और जो हैं। ये कार्विंग भी है ये बहुत प्रोफेशनल आर्टिस्ट के थ्रू की गई है, क्योंकि कार्विंग के भी टाइप्स होते हैं, राइट जी। अच्छा सर, इसमें पॉलिश वगैरह भी कौन सी करेंगे इस पे? हम इस पे रोज गोल्ड फिनिश होगा, अच्छा रोज गोल्ड फिनिश होगा। ये चंडीगढ़ जाना है, इसमें नेचुरल भी हम कर सकते हैं। हाँ, कोई भी डिजाइन, कोई भी प्रोडक्ट आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, अपनी डिमांड के अकॉर्डिंग कस्टमाइज करा सकते हैं, राइट। कितना ब्यूटीफुल हमने हेडबोर्ड और फुटबोर्ड बनाया है, हाँ। तो इसके सेंटर पे यहाँ पे कुशन आएगा, अच्छा। तो उनको अच्छा यहाँ पे स्पेस दे रखी है, तो क्लाइंट को चाहिए था कि मुझे थोड़ा सा जिससे हमारी कॉस्ट कम हो जाए, तो इस वजह से आप हमें कुशन वो मतलब बीच का पोर्शन खाली रख दीजिए, अच्छा ठीक है। हालांकि जो कि आपने उसमें शोरूम्स वगैरह में देखा होगा, वो लोग यहीं से ही प्राइस कम करते हैं, फिर टीकवुड का हल्का ग्रेड लगा देते हैं, पॉलिश मटेरियल का लगा देते हैं, लेकिन तो फिर भी वो लाख रुपए से ऊपर ही बेचते हैं सर इसको। जी 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 बिल्कुल, हमारे यहाँ ये ओनली 65,000 का मिलेगा आपको। क्या बात कर रहे हो सर, देखिए आप इसके किस तरीके की कार्विंग वर्क आपको ये दी जाएगी, बिल्कुल। ये नेचुरल और वॉलनट फिनिश में, अगर आप किसी व्यूअर्स को चाहिए तो ये 65,000 का मिलेगा, और ये क्वीन साइज में है, अच्छा जी जी। अरे वाह। बाकी अगर आप थोड़ा सा और पीछे देखेंगे, हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे टीवी कैबिनेट्स भी हम लोग बनाते हैं, अच्छा। ये देखिए आप जी, ये देखिए ये डहली जानी है ऊपर वाली कैबिनेट, ये इसमें राइट साइड में यहाँ पे 2 ड्रॉअर डाली गई है, मिडल पोर्शन खाली रखा गया है, फिर 2 ड्रॉअर्स डाली गई है। आप इसका कार्विंग वर्क देखिए, इसका साइड व्यू दिखाइए, कितना ब्यूटीफुल कर्व इसको दिया गया। टोटल हमारे यहाँ जितना फर्नीचर मिलेगा आपको हाथों की नक्काशी वाला मिलेगा, तो ये डीप कार्विंग कहेंगे सर इसको? जी हाँ, ये अच्छी ब्यूटीफुल कार्विंग, ब्यूटीफुल कार्विंग जी जी बिल्कुल। ये देखिए मतलब फ्लोरल डिजाइन देखिए, इसकी जो लेंथ है वो 6 फीट रखी गई है, हाँ। और इसकी डीप जो रखी गई है वो 18 इंच रखी गई है, वो कस्टमर की चॉइस के अकॉर्डिंग, डिमांड के अकॉर्डिंग, हाँ। आप किसी भी साइज में ले सकते हैं। जैसे कि ये नीचे वाला जो कैबिनेट है, ये हमारा उसमें वहाँ पर जाना है, ये करनाल,
अच्छा, ये करनाल का है। उनको कार्विंग नहीं चाहिए था, ये 6 फीट के लेंथ में बनाया है। ये प्लेन रखा है आपने, लेकिन लेग में कार्विंग कर दिया है। जी जी, लेग में उनको बहुत कम कार्विंग चाहिए था। लाइट कार्विंग चाहिए था उनको। जी जी जी, ओके। बाकी जैसे कि थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, मैं आपको यहीं पर दिखा देता हूँ। जी, ये देखिए, आपने बैग्स बहुत सारे देखे होंगे, लेकिन इसका आप ब्यूटीफुल कार्विंग वर्क देखिए। यहाँ पे कुशन डाला जाएगा। ये बेड विदाउट स्टोरेज बॉक्स है, इसके ऊपर अभी प्लाई आएगा, उसके ऊपर मैट्रेस आएगा। ये सिर्फ हमने आपको दिखाने के लिए अच्छा ऐसे लगा रखा है, बाकी बेड मतलब तैयार होकर के इस तरीके से लगता है ये। बाकी आपने देखा होगा जो लो क्वालिटी के फर्नीचर है, वो बहुत सारी चीजें वो कम कर देते हैं। मान लो जैसे कि सपोर्ट देखे होगा आपने, तीन या चार लगाते हैं हमारे यहाँ सपोर्ट्स, देखिए ये देखिए, और फिर वुड की थिकनेस, तीन छह दो आठ देखिए, लगभग ये 3.5-3.5 इंच में बनाया गया है। ओके, और ये किंग साइज 6x6 का होता है, लेकिन ये थोड़ा ब्रॉड है। इसका जो मैट्रेस है वो 7x7 का है, क्योंकि क्लाइंट की डिमांड 7x7 की थी। अच्छा जी, और उनको साइड टेबल नॉर्मल नहीं चाहिए थे, क्योंकि उनको काफी बड़ा रूम है, उनको उसमें रखना है, तो उन्होंने स्टूल की डिमांड दी थी कि इस टाइप के स्टूल चाहिए मुझे। अच्छा, ये साइड टेबल इतने हाइट के बना रखे हैं अपने। साइड टेबल आप इसको साइड टेबल कह लीजिए, स्टूल कह लीजिए। अच्छा, ओके। लेकिन वो रखे हैं उनको बेड की साइड में, थोड़ा सा डिस्टेंस देकर, ठीक बात है। यहाँ पर भी आपका कुशन आएगा। ओके, और आप किसी भी डिजाइन को अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कस्टमाइज करा सकते हैं, चाहे साइज में है, पॉलिश कलर में है। सर कितना टाइम लग जाता है अगर कोई ऑर्डर दे इस तरीके से बेड बनाने में? सर जो हैवी फर्नीचर है उनमें अच्छा फर्नीचर बनाने के लिए कम से कम 2-2.5 महीने का समय लगता है। अच्छा, इतना लग और फिर जो जुगाड़ फर्नीचर है उसको तो सर आप 1 महीने में बना लो, और फिर प्राइस कितना भी कम कर लो। राइट, क्योंकि फर्नीचर एक ऐसी आइटम है, इसमें क्वालिटी के ऊपर ही प्राइस डिपेंड करता है कि किस टाइप की क्वालिटी है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, हमारा पूरा सॉलिड टीक वुड ही मिलेगा। अगर इसको यहाँ से पलाई रख दे या बोर्ड लगा दे या डायरेक्ट कुशन ही कर दे, तो जैसे कि शोरूम पे मिलते हैं फर्नीचर, तो उन पे वो तो रेडी होते हैं, उनको क्लाइंट को पता ही नहीं इसके पीछे क्या है। सही बात है, और वो ये डिजाइन फाइबर में बना देते हैं। हालांकि जिनका ये क्लाइंट आया उनकी ये 2 टेबल्स भी जानी है, तो इसलिए हमने इनके पास में ही रख दिया। अच्छा, ये टेबल भी जानी उनकी? हाँ, एक ओवल शेप में है और एक ये रेक्टेंगुलर शेप में। बाकी अच्छा, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे फर्नीचर है। देखिये, ये हमने रॉकिंग चेयर बनाया है। अच्छा जी, अरे देखिये इसका आप कार्विंग वर्क देखिए, ये देखिए जी कितना ब्यूटीफुल कार्विंग वगैरह डाला गया है। यहाँ पे कुशन आएगा। अच्छा जी, ओके, यहाँ पे कुशन आएगा। और अंदर की जो सर ये अटैचमेंट बना रखे है, ये भी काफी हैवी बना रखा है आपने। हाँ, ये पूरा का पूरा टीक वुड लगाया गया है, और यहाँ पे सीट आएगी। अच्छा, ये अगर आप प्राइस की बात करें, आपको शोरूम पे उसको देखने में मिलेगी 60,000-70,000-80,000, लेकिन हमारे यहाँ सिर्फ ये 42,000 में मिलेगा। क्या बात कर रहे हो सर, मात्र 42,000 में। बाकी जैसे कि आप ये वॉच देख रहे हैं, ये आपको मार्केट्स में मिलेगी 25,000-30,000-35,000, हमारे यहाँ 18,000 की मिलेगी। मात्र 18,000 की? 18,000 की, बल्कि अगर आपके पीछे देखेंगे वो हमारे यहाँ सिर्फ 9,000 की मिलेगी आपको, अगर जो आप देख पा रहे हैं। अरे वाह, क्या बात है। जी जी जी। अच्छा, ये पूरा पॉलिश वगैरह करके देंगे इसमें? जी बिल्कुल, हमारे यहाँ जितना भी फर्नीचर मिलेगा आपको वो फैक्ट्री रेट पे मिलेगा। बिल्कुल। इसके अलावा मैं आपको बहुत ब्यूटीफुल सेट दिखाने जा रहा हूँ, जो कि बहुत रॉयल बनाया गया है। तभी आप इसको चेक कर सकते हैं, इसका कार्विंग वर्क टोटल हैंडमेड बनाया गया है। ये इसका सेंटर पोर्शन है, फिर एक पोर्शन डाला गया है, फिर एक और पोर्शन डाला गया है, 6 फीट की लेंथ में बनाया गया है। ठीक है। इसकी जो यहाँ से यहाँ तक की डीप रखी गई है वो 24 इंच रखी गई है। अच्छा। आप इसके ग्रेस देख सकते हैं। हमारे यहाँ जितना भी फर्नीचर मिलेगा वो प्योर ए ग्रेड टीक वुड में मिलेगा। और मेन चीज मैं आपको एक और चीज बता दूँ, कोई भी स्ट्रक्चर हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट वो उसको जॉइंट करके इस्तेमाल कर लिया गया। हमारे यहाँ पूरा पहले वुड को कटिंग करके चैम्बर में भेजा जाता है। अच्छा। सीजन पावर प्लांट में। अच्छा, तो सीजन करने के बाद ही करते हैं वो। तब उसका मॉइस्चर खत्म करके तभी हम लोग उसको वुड का इस्तेमाल करते हैं। हमारे यहाँ टेम्परेरी और जुगाड़ू फर्नीचर रेडी नहीं होता है सर। इसके जो मिरर फ्रेम है तो बॉटम से लेकर टॉप तक की जो इसकी हाइट है वो 8.5 फीट है। अच्छा, बाकी आप इसके पीछे देखेंगे, अगर हमने एक और राउंड बेड दिखाया था आपको, मैं आपको नेक्स्ट दिखा देता हूँ। अच्छा। ये उससे हैवी डिजाइन है, इसमें कुशन नहीं था, इसमें यहाँ पे कुशन आएगा इस वाले पोर्शन में। अच्छा, इसमें इधर कुशन आएगा। ये भी 8 फीट राउंड है। आप इसकी थिकनेस देखिए, 5-6 इंच में इसको रेडी किया गया है। बिल्कुल बिल्कुल, ये देखिए जी। हालांकि अभी ये आपको जो फिनिशिंग देखिए, सेंटर में चीजें दिख रही होगी, ये अभी पूरी तरीके से असेंबल नहीं किया है हमने, सिर्फ ऐसे ही टेम्परेरी। अच्छा, प्रॉपर फिट होगा इसमें, दिखाने के लिए रखा है। ठीक है। आप इसका कार्विंग वर्क देख सकते हैं, डिटेलिंग वर्क। ये
चारों तरफ इसके ये कारिंगबर घुमाया गया है। ये देखिए, ये भी स्टोरेज बॉक्स है। अगर आप स्टोरेज बॉक्स चेक करना चाहते हैं, ये इस टाइप से स्टोरेज बॉक्स इसमें आ जाता है। जी क्या बात है, ये आप इसको, ये बहुत हैवी बनाया गया है ये। और ये हमारा जाना भी एब्रॉड में है, ये दुबई जाना है सर। अच्छा, ये दुबई जाना है। और जो आपके पीछे अभी आप कंसोल दिखा रहे थे वो 6 फीट लेंथ में, वो बहरीन जानी है, बहरीन। अच्छा। जी मतलब दोनों इंडिया के बाहर के ऑर्डर हैं सर ये हमारे पास। आप कहीं से भी बैठे हैं और ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है जी। आपको हम डिलीवरी की सर्विस प्रोवाइड की जाएगी। जैसे कि एक क्वीन साइज बेड है, ये यहाँ पे नक्काशी की गई है और यहाँ पे कुशन आएगा। ओके, तो ये क्वीन साइज में जो बेड है, अगर आप किंग साइज में ले सकते हैं, क्वीन साइज में ले सकते हैं। और अगर मैं इसकी प्राइस की बात करूँ, ओनली 55,000 का है, मात्र 55,000 का, बॉक्स वगैरह सब इंक्लूड करके। नहीं, ये विदाउट स्टोरेज बॉक्स है 55 का। अच्छा, विदाउट स्टोरेज। अगर स्टोरेज बॉक्स लेते हैं तो लगभग 6,000 रुपये और ऐड हो जाते हैं। और ऐड हो गए, ओके। 6,500 होते हैं वैसे, लेकिन हम लोग 6,000 और ऐड करके दे देंगे। ठीक है, वॉलनट फिनिश और नेचुरल फिनिश ले सकते हैं, किंग साइज का है। ओके। ये देखिए आप। अच्छा। ये यहाँ पे फुट बोर्ड पे नक्काशी की गई है और ये भी विद स्टोरेज बॉक्स है, वहाँ पे कुशन आएगा। अगर अच्छा। आप इसकी थिकनेस, हमारे यहाँ जितना भी फर्नीचर मिलेगा आपको टोटल हैवी मिलेगा। बिल्कुल, ये लगभग 4 इंच की मोटाई में बनाया गया है। अच्छा। हमारे यहाँ वो टेम्परेरी फर्नीचर नहीं बनता है, जो जुगाड़ू। और स्टोरेज बॉक्स हमारे यहाँ किस टाइप से होते हैं, इस टाइप से आप देख सकते हैं, हाइड्रोलिक लगाते हुए। अच्छा जी, ये देखिए हमारे यहाँ, क्योंकि सर जो बेड ओपन करता है वो हमारी माताएं और बहनें करती हैं, बिल्कुल, तो उनको वजन ज्यादा नहीं उठाने चाहिए, इसलिए हम लोग हाइड्रोलिक पैटर्न लगाते हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। बाकी थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, जैसे कि ये है, ये 2 सीटर सोफा है। मैं इसमें इंटरेस्टिंग चीज आपको एक दिखाना चाहूंगा जी। ये तो इसका हेडबोर्ड है, आप इसका डिटेलिंग कारिंग देख सकते हैं, और ये इसका फुट बोर्ड है, इस पे यहाँ पे कुशन आ जाएगा। बाकी इसी का हमने, आपने आज तक इतना लंबा सोफा नहीं देखा होगा, ये 5 सीटर बनाया है हमने पूरा का पूरा, ये 14 फीट लंबाई का है। अच्छा, एक सीट के इसमें 5 सीटर दे रखी है। हाँ, पूरी। अच्छा, एक सीट। ओके, और ये 14 फीट लंबा है, इसी के अंदर ये 2 सीटर रखा हुआ है। अच्छा, आपको किसी भी डिजाइन को अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कस्टमाइज करा सकते हैं। दोस्तों, आप लोगों को पूरी स्ट्रक्चर हम दिखा दे रहे हैं कि देखिए इसमें कौन सा रॉ वुड लगा हुआ है, किस तरीके से आप लोगों की फिनिशिंग होगी, और पॉलिश होने के बाद मतलब एक डिफरेंट लुक हो जाती है। आपने इतना हैवी वर्क कहीं नहीं देखा होगा, ये देखिए आप। क्या बात है, कंसोल तो बेहतरीन। कंसोल है सर, ये 6 फीट लेंथ में है। अच्छा, 6 फीट में है। हाँ हाँ, आप इसका नक्काशी वर्क देख सकते हो, टोटल हैंडमेड है। और ये भी अनफिनिश है, जब ये फिनिश होगा ये सिल्वर कलर में रेडी किया जाएगा, सिल्वर। अच्छा। और ये जाएगा भी हमारा यूएस में, यूएस में न्यूयॉर्क में जाएगा ये। अच्छा, अरे वाह। एक डॉक्टर साहब हैं, उनके डॉक्टर साहब के यहाँ पे जाना है, हालांकि वो इंडिया के सिटीजन है, लेकिन वो काफी सालों से वहीं रहते हैं। अच्छा जी। जी, जी मैं आपको पोस्टर बेड दिखा देता हूँ। पोस्टर बेड जिनको कार्विंग वर्क बहुत चाहिए ही नहीं तो उनके लिए है ये। अच्छा, तो ये इनकी डिमांड थी, ये पोस्टर बेड है। okay. आपका, और ये स्टोरेज बॉक्स के साथ बनाया गया है। अच्छा, इसमें ज्यादा कार्विंग नहीं है, लाइट वर्क ही दे रखा है इसमें। इसमें कार्विंग वर्क कार्विंग है ही नहीं सर, बात है, प्लेन बनाया है इसको। बल्कि उन्होंने बिल्कुल एक अपोजिट ये चीज की है, जिनका ये क्लाइंट का है। हाँ। जिनका ये रेडी होना, उन्होंने साइड टेबल कार्विंग वाले रखे हैं, फुल कार्विंग वाले। अच्छा, आप ये देखिए। अरे वाह, इसमें ये 2 ड्रॉवर्स डाली गई है। ये 2 ड्रॉवर्स है और इसके साइड में भी आपको कार्विंग वर्क देखने को मिलेगा। अच्छा, लेकिन बेड उनको उन्होंने सिंपल रखा है, बेड उन्होंने प्लेन बनवाया है ये जी। हालांकि इस पे यहाँ पे कुशन आप ले भी सकते, नहीं ले सकते, लेकिन उन्होंने यहाँ पे कुशन भी नहीं लिया है। अच्छा जी, मतलब प्लेन भी अच्छा लगेगा, और अगर कुशन लगाना चाहे तो दोनों ऑप्शन वो कर सकते हैं ये जी। जी, नेक्स्ट एक और बेड देख लीजिए। अरे वाह, इसका, इसमें मेन चीज ये है कि जो इसका कर्व है वो इनर साइड डाला गया है। ये आपको सिंपल लग रहा होगा देखने में, लेकिन ये सिंपल है नहीं, कर्व ही देखिए। ओके, और ये इसका जो कर्व डाला गया है वो ऊपर की साइड से डाला गया है ऐसे। अच्छा, हाँ, ठीक बात जी, बहुत बढ़िया। इसका ये भी ब्रॉड साइज में बनाया गया है, ये 8x8 है, आउटर टू आउटर 8x8 है, ये 8x8 कस्टमर की डिमांड के अकॉर्डिंग बनाया है। हालांकि आपने बेड की साइड टेबल छोटी छोटी देखी होंगी, लेकिन उन्होंने ये भी बड़ा बनवाया है। इसकी जो इसकी जो लेंथ रखी गई है वो 3.5 फीट रखी गई है। उनका रूम भी बड़ा ही होगा फिर सर, वो अपनी अपनी डिमांड होती है। 3.5 फीट इसकी इसकी लेंथ है, और इसकी 2.5 फीट इसकी ऊंचाई रखी गई है। उसमें ये 3 ड्रॉवर डाले गए, ड्रॉवर भी इसमें काफी बड़े डाले गए हैं। ओके, क्या बात जी। हालांकि उन्हीं के सेट के साथ, हालांकि इनका भी कॉम्बिनेशन ऐसा ही था कि बेड पे हल्की फुल्की नक्काशी, जैसे आप सेंटर में देख रहे हैं, यहाँ पे पाए में देख रहे हैं जी,
तो उनके मतलब लाइट कार्विंग वर्क इनको भी चाहिए था। हाँ, लेकिन उन्हें सेटी ठीक ठाक कार्विंग मिली गई। अच्छा, ये डिवाइडर बोलते अच्छा, हैं ऐसे लिया डिवाइडर और सेटी सोफा बोल सकते हैं आप इसको। ओके, तो ये देखिए ये चेस्टर टेबल है। अच्छा, इसमें 9 ड्रॉवर डाली गई है। ओके, 6 फीट लेंथ में है और इसकी 3 फीट हाइट है। अच्छा, हालांकि एक चेस्टर ये भी है। अच्छा, ये भी ऑटो पे ही बना है। ये 2.5 फीट की लंबाई है और इसकी 5 फीट इसकी ऊंचाई रखी गई है। ओके, पौने पाँच रखी गई है। ठीक है जी, तो आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं। मैं भगवान जी के हमारे भगवान जी की पूजा के लिए मंदिर दिखाना चाहता हूँ। ये 3 फीट की 2.5 फीट की इसकी लंबाई है और 4.25 फीट ऊंचाई है। और अगर मैं इसकी प्राइस की बात करूँ बहुत रीजनेबल प्राइस में मिलेगा। अच्छा, ये आपको ओनली 20,000 का मिलेगा। क्या बात कर रहे हो, 20,000 प्योर ए ग्रेड टी वुड में है। ये एलिफेंट लगाए गए हैं, मोल्ड लगाए गए हैं जी जी। और ये 2.5 फीट में है, जैसे कि इसके नीचे बिल्कुल सेम एज इट इज 3 फीट में बनाया गया है। अच्छा, हाइट सेम ही है। अच्छा, हाइट सेम ही बढ़ गई इसी नीचे जी, हाइट सेम ही है। ठीक है, और अगर मैं 2.5 फीट में, जैसे कि विदाउट डोर वाला है, अगर मैं डोर वाले की बात करूं तो ये 2.5 फीट में डोर वाला है। अच्छा, 2.5 फीट में डोर दे दिया आपने इसमें। जी जी, ये सारा हमारा टी कोड ए ग्रेड का है। टी कोड में मिलेगा, ये 24,000 का है ओनली। 24,000 का है ओनली, 24 टी कोड का मिलेगा आपको। इसमें यहाँ पे 2 ड्रॉवर डाली गई है और 1 ट्रे डाली गई है। इससे भी टेम्पल्स में इसी तरह मिलेगी। बाकी अगर मैं आपको और दिखाऊँ, छोटे टेम्पल घरों में छोटे टेम्पल की जरूरत पड़ती है, तो ये देखिए ये 1.5 फीट इसकी चौड़ाई है। अच्छा, और इसकी 2 फीट ऊंचाई रखी गई है। सॉरी, 2.5 फीट ऊंचाई रखी गई है, 1.5 बाई 2.5 का है ये। ठीक है, ये विद डोर वाला है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये विदाउट डोर वाला है। अच्छा जी, सेम चीज है लेकिन बस डोर का डिफरेंस दे रखा है इसमें। ये 10,000 का है वॉलनट और नेचुरल फिनिश में, और ये 12,000 का है विद डोर वाला। एक और मंदिर दिखा रहे हैं आप लोगों को, देखिए कितना शानदार है। इसकी जो हाइट रखी गई 6.5 रखी गई है। अच्छा, और वाइड इसकी 3.5 फीट रखी गई है। ओके, और ये डबल पिलर्स में बनाया गया है। अच्छा जी, यहाँ पे ये एक छोटा सा स्टोरेज दिया गया है इस टाइप, और ये 2 ड्रॉवर दी गई है। ठीक है, और फिर स्टोरेज, और ये बाकी आप नक्काशी वर्क देख सकते हैं, साइड में जाली वर्क दिया गया है। जो साइड में वर्क है जी जी जी, क्या बात है दोस्तों। यही चीज शोरूम पे देख सकते हैं, लाखों की मिलती है। और यहाँ पे देख सकते हैं मतलब आधे से भी कम रेट में, देखिए आप एक मैन्युफैक्चरर से एक फैक्ट्री रेटों पे इस तरीके से देखिए फर्नीचर ले सकते हैं, बनवा सकते हैं, कस्टमाइज करा सकते हैं। कोई भी अपने हिसाब से सर डिजाइन बनवाना चाहे तो बनवा सकता है आपसे। जी बिल्कुल, आप कोई भी किसी भी आइटम को अपने डिमांड के अकॉर्डिंग कस्टमाइज करा सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एक बहुत अच्छा झूला दिखाना चाहता हूँ। अभी तक आपने कारिंग वर्क इस टाइप से देखा होगा, जैसे कि ब्यूटीफुल सेट हमारा हेडबोर्ड और फुटबोर्ड रखा है ये बेड का। ये आपने काफी देखा होगा कितनी डिटेलिंग कारिंग वर्क डाला गया है जी, बहुत शानदार। और जैसे कि ये अदर बेड है, ये हैवी बेड है, थोड़ा सा पिलर टाइप में बना गया है। ये हेडबोर्ड है, ये फुटबोर्ड है, ये वो वाले बेड से जिन पे कुशन नहीं आता है। हालांकि अगर आप उसके पीछे देखेंगे वो भी इसी तरीके का बेड है, नॉन कुशनेबल रहेंगे, सिर्फ पॉलिश और फिनिशिंग वगैरह होगी। पॉलिश और फिनिशिंग होगी। तो ये तो बोलते हैं कार्विंग उभरी हुई, फिर आ जाती है कार्विंग इस टाइप से। अच्छा, ये कार्विंग जो होती है इसको टकाई बोला जाता है। देखिए हमने कितना हैवी झूला बनाया गया है, ये 7x7 फीट का झूला है। 100% टी कोड में दे रखा है, प्योर सॉलिड ए ग्रेड टी कोड में मिलेगा। वाह, और बहुत रीजनेबल कॉस्ट में मिलेगा। फिनिशिंग देखिए उस तरह से, आपने देखा, आपने झूले बहुत सारे देखे होंगे, वो 3 इंच के पिलर लगा देते हैं, 3.5 इंच के। हमारे यहाँ ये जो रेडी किया गया है 6 इंच का ईच पिलर से रेडी किया गया है, चौड़ाई है जी जी जी। बाकी इसमें 2 पिलर डाले गए हैं। अगर आप इसकी थोड़ा सा और आगे देखें, ये सीट है जी, इस सीट पे भी झूला वो नक्काशी की गई है। ठीक है, और ये पिलर और रूफ भी अगर आप इसका चेक करेंगे, रूफ में भी इसमें नक्काशी वर्क डाला गया है। देखिए इस तरीके से वर्क भी रखा है। तो आप किसी भी आइटम को हमसे ले सकते हैं, चाहे डिजाइन आपका हो या हमारा हो, आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग कस्टमाइज हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जैसे मैं ये तैयार होकर के झूला कितने तक का पड़ जाएगा बताइए। एक्चुअली जो प्राइस रहता है वो डिपेंड करता है क्वालिटी के ऊपर और फिनिशिंग के ऊपर। क्या हो सकता है कोई इसको रोज गोल्ड ले, व्हाइट ले, वॉलनट फिनिश ले, नेचुरल फिनिश, तो इस तरह की हैवी आइटम्स के जो प्राइस है वो इस तरीके से नहीं बताए जा सकते। वो तो आपको हमसे कांटेक्ट करके ही पूछना पड़ेगा। ओके, मतलब बेस्ट प्राइस मिल जाएगी। नॉर्मल बेड की अगर मैं बात करूँ, जिस तरीके का ये बेड है, हमारे यहाँ ओनली 45,000 का है बस। बराबर में अगर आप देखेंगे वो 75,000 का, क्योंकि इसमें डिटेलिंग कार्विंग वर्क डाला गया है। वाह क्या बात है सर, मात्र 75,000 में देखिए इस तरीके से। जी जी, लाखों वाले बेड देखिए
और ये जैसे कि बराबर में है, ये ओनली 60,000 का है हमारे, ये तो 60,000 का है। नेचुरल फिनिश और वॉलनट फिनिश ले सकते हैं। बाकी थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, मैं आपको और चीजें दिखा देता हूँ। जैसे की वैरायटी बहुत सारी है, डाइनिंग टेबल सेट है, ये 6 सीटर डाइनिंग टेबल सेट है। हालांकि इसके चारों साइड हमने सिर्फ 4 ही चेयर रखी है, ठीक है। जो ये चेयर है, ये वाला चेयर, ये आपको हमारे यहाँ 8,000 का मिलेगा ओनली, नेचुरल फिनिश, मात्र 8,000। जी जी जी। बाकी ये 6 सीटर डाइनिंग टेबल सेट है, आप इसको 8 सीटर या 10 सीटर या 12 सीटर आप कैसे भी कन्वर्ट कर सकते हैं, बनवा सकते हैं जी। अच्छा, एक टेंपल यहाँ देख रहे हो सर, काफी हाँ, ये बात काफी सुंदर है। हालांकि मैंने आपको अब तक जो टेंपल्स दिखाए उनके अंदर डिटेलिंग कार्विंग वर्क नहीं था, यहाँ पे वो एरिया प्लेन था, इसमें यहाँ पे भी कार्विंग वर्क डाला गया है। कार्विंग वर्क रखा है जी। ये इसका जो साइज है वो 3 फीट इसकी चौड़ाई है, और यहाँ तक इसकी 5.5 फीट इसकी ऊंचाई है। अच्छा। हालांकि जो इसके गुम्बद है, ये गुम्बद कुछ लोग लगवाते हैं कुछ लोग नहीं लगवाते हैं, हम इसको रिमूव भी कर सकते हैं। अच्छा। तो उन जिनका ये है उनको गुम्बद ही चाहिए था, तो आप अगर नहीं लेना चाहते गुम्बद हम लोग हटा देंगे। दोनों ऑप्शन दे रखा है जैसा चाहिए दोस्तों वैसा देखिए आप लोग ले सकते हैं। यहाँ पर ये हमारा 4 फीट लेंथ में ड्रेसिंग टेबल है, ये इसका मिरर फ्रेम है, और इसके अंदर 6 ड्रॉवर डाली गई है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं एक कार्विंग वर्क डाला गया है, ठीक है जी। ये 4 फीट की लेंथ में है, और इसकी जो हाइट है वो लगभग 7 फीट रखी गई है। और अगर मैं इसकी प्राइस की बात करूँ, ये वॉलनट फिनिश में है, नेचुरल फिनिश में, इसका जो प्राइस है वो ओनली आपको मिलेगा 28,000 का, मात्र 28 का पड़ेगा। ये अभी कील लगाई गई है ताकि इसको बाहर वो ना निकल सके, ये अभी फिक्स किया हुआ है, और 100% वुड में दे रखा है, पूरा टीक वुड मिलेगा आपको दोस्तों। प्लाई का काम नहीं है, ये देख सकते हैं आप लोग। और अगर जैसे कि 3 फीट की कंसोल है, इसमें 2 ड्रॉवर्स डाली गई है ओनली, ठीक है। ये इसका लेंथ 3 फीट है, और हाइट वही सिमिलर 6.5 फीट 7 फीट है, ठीक है। तो इसका अगर मैं इसकी प्राइस की बात करूँ, ये ओनली 24,000 का है, मात्र 24 का ही है, मात्र ये 24 का है। बाकी जैसे कि मैं आपको डाइनिंग टेबल सेट दिखा रहा था, उसी के साथ का एक कॉफी सेट है, ये आप देख पा रहे हैं राउंड शेप में, ये रोटेशन करता है, ये इसका डायमीटर 30 इंच रखा गया है, इसका बेस देखिए आप कितना हैवी बनाया गया है। ये इसके साथ अभी 2 चेयर्स लगाई है, आप इसके डायमीटर को बढ़ा सकते हैं घटा सकते हैं, और उसी सेम पैटर्न में फिर ये आप इसका ये देखिए, ये सोफा मोड़ा सोफा जिसको बोलते हैं, ये इसका दीवान हो गया। अच्छा जी। और ये इसका 3 सीटर सोफा हो गया, और ये फिर ये इसका सिंगल सीटर, और इसका टेबल देखिए कितना इंटरेस्टिंग है, ये देखिए हमारा जी हाँ, जितना भी फर्नीचर मिलेगा आपको 95% टीकवुड में ही मिलेगा। अच्छा, जो रोज वुड का बन सकता है हमारा जी, रोज वुड में भी बन सकता है, लेकिन टीकवुड में फिनिशिंग ज्यादा आती है, रोज वुड में इतनी फिनिशिंग नहीं आती क्योंकि रोज वुड की लकड़ी हार्ड है, और ये इसके स्टूल है। बाकी अगर मैं आपको और चीजें दिखाऊं, जैसे कि ये सोफा है, ये हमारे यहाँ सस्ते सोफा बोले जाते हैं, ये हमारे यहाँ 9,000 पर सीट, 12,000 पर सीट, 8,000 पर सीट, अरे वाह, और ये फिर आपका आ गया 9,000 पर सीट। अच्छा जी। बाकी मैं आपको और चीजें दिखा देता हूँ, बेड के साइड टेबल्स के पेयर हैं, ये भी हमारे पास रखे हुए हैं। अच्छा। ये स्टॉक में है, इनमें से कुछ जाने हैं कि कुछ बेड के साथ लगनी है। अच्छा। तो ये हमारे पास हर एक चीज का स्टॉक मिलेगा आपको, और आप अपने डिजाइन भी शेयर कर सकते हैं। अगर आपको फर्नीचर जो था वो टीकवुड में दिखा रहा था, मैं आपको कुछ रोजवुड के या जिसको हम लोग शीशम वुड बोलते हैं उसका आर्टिकल दिखा देता हूँ। ये 4 सीटर डाइनिंग टेबल सेट राउंड में रहेगा, ये राउंड में है, ये बहुत रीजनेबल प्राइस में ओनली हमारे यहाँ जो मिलेगा आपको वो 24,000 का मिलेगा, मात्र 24,000 का, ये नेचुरल फिनिश में। ये 6 सीटर डाइनिंग टेबल सेट है, ये राउंड में है, ये ओवल में है, तो ये आपको थोड़ा सा ये पड़ेगा आपको 32,000 का फिनिश करके, कंप्लीट करके फिनिश करके। जैसे कि ये सोफा है, ये फिर 8,000 पर सीट आ गया, ये फिर 8,000 पर सीट है। अच्छा। बाकी रोजवुड, ये जितना भी स्ट्रक्चर यहाँ पे रखा हुआ है ये रोजवुड का है, रोजवुड शीशम वुड। आप इसका लेग देखिए कितना हैवी है, यहाँ से बिल्कुल यहाँ पे आप इसका लेग देखिए कितना हैवी है, इसके सेंटर में भी कार्विंग वर्क डाला गया है। ओके, ये देखिए जी, और सारे में देख सकते हैं दोस्तों कार्विंग वर्क है बेहतरीन फिनिशिंग के साथ, देखिए आप लोग। हमारे पास स्टॉक बहुत मिलेगा आपको, मैं आपको और दिखा देता हूँ, चलिए और आगे बढ़ते हैं। ताकि ये भी रोजवुड का आर्टिकल है। अच्छा। ये आपका बेड का हेडबोर्ड और फुटबोर्ड है, और ये बेड का हेडबोर्ड है। ये डाइनिंग टेबल सेट देखिए आप, ये 8 सीटर डाइनिंग टेबल सेट है, टॉप वुड का रखा गया है एज पर क्लाइंट डिमांड। इसका आप लेग का कार्विंग वर्क देखिए, और ये इसका कार्विंग वर्क ऐसे है। हालांकि ये हमारे पास बाहर का, ये भी एब्रोड का ही ऑर्डर है। अच्छा। विदेश में ही जाना है। आप ये सोफा कम बेड देखिए। ओके। ये देखिए सोफा कम बेड, ये इसके ये ऐसे ओपन होगा, ये फिलहाल सोफा है,
अभी स्पेस की वजह से मैं इसको पूरा खोल नहीं पाऊंगा, तो ये पूरा बेड बन जाएगा। ठीक है, डिजाइन हमारे पास बहुत सारे हैं। ये भी रोज वुड है और ये आपका डाइनिंग टेबल सेट आ गया। ये वो है जिनको कार्विंग वर्क नहीं चाहिए, प्लेन में इस टाइप से। ये फिर बेड आ जाता है, यहाँ पे कुशन आएगा। ये फिर हमारे यहाँ जितना भी बेड मिलेगा आपको हाइड्रोलिक स्टोरेज बॉक्स मिलेंगे। बाकी और देखिए बेड देखिए, अच्छा ये बार यूनिट देखिए। चलिए, हालांकि हमारे पास स्टॉक और भी बहुत है लेकिन वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। सीधा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चलते हैं जहाँ से हम लोग ये सारा फर्नीचर बनाते हैं। सीधे फैक्ट्री दिखाते हैं दोस्तों। देखिए वैरायटीज आप लोगों को बहुत सारी मिल जाएगी, सोफेज मिल जाएंगे, डाइनिंग टेबल, सोफा कम बेड, मतलब जैसा दोस्तों आप लोग को ऑर्डर बनवाना हो आप बनवा सकते हैं, ले भी सकते हैं। हर चीज आपको मैं अब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लेकर चलता हूँ। दोस्तों हम आ चुके हैं फैक्ट्री एरिया में, देख सकते हैं इस तरीके से। देखिए पूरी मैन्युफैक्चरिंग का काम यहाँ पर होता है, पूरा फर्नीचर यहीं पे बनता है सर। यस सर, पूरा फर्नीचर यहीं पे होता है। मैं आपको अंदर दिखाता हूँ। ये हमारे पोस्टर बेड का हेडबोर्ड है जी, जिस पर लगा हुआ है। आप अंदर आए, ये देखें हमारे जो आर्टिस्ट है वो टोटल, हमारे यहाँ जितना भी कार्विंग वर्क होता है वो टोटल हैंडमेड रहता है, हैंडक्राफ्टेड रहता है। ये आप अगर देखेंगे ये हमारे कार्विंग के टूल्स रहते हैं। ये कार्विंग के टूल्स है टोटल। अगर आप इसके पीछे देखेंगे ये आपने बहुत पॉपुलर है, ये जंगल वाला बेड इसको बोला जाता है। आप इसकी थिकनेस देखेंगे तो कम से कम ये 8 से 9 इंच में इसको थिकनेस में रेडी किया गया है। इसके अलावा अगर आप हैवी भी बना देते हैं, बिल्कुल अगर आप और हैवी देखना चाहते हैं आप ये मेरे पीछे देखें। ये इसकी जो हाइट है वो 8 फीट रखी गई है, और उसकी जो ब्रॉड रखा गया है वो बात है, हाइट 10 फीट है और ब्रॉड 8 फीट है। आप इसका कार्विंग वर्क देखिए, आप थोड़ा इसका क्लोजअप दिखाएं कि किस टाइप से रेडी किया गया है। इस तरीके का फर्नीचर को रेडी करने के लिए काफी समय लगता है, कम से कम कई महीने चाहिए। सही बात, बाकी और आगे बढ़ते हैं। ये देखिए इस तरीके से, देखिए भैया यहाँ पर डिजाइन कर रहे हैं। ये देखो बिल्कुल, मतलब पूरा हैंड वर्क होता है सर। हमारे यहाँ टोटल जितना भी फर्नीचर बनता है वो टोटल हैंड क्राफ्टेड रहता है। ओके, क्या बात है। थोड़ा सा और आगे आए, जैसे कि वो आप फ्रंट पे पोस्टर बेड देख रहे थे, उसका हेडबोर्ड है और ये उसका फुटबोर्ड है। ओके, चूंकि ये अनफिनिश जगह है तो इस पे ये हमारे जो आर्टिस्ट है ये रेग माल से इसको घिस रहे हैं ताकि और इसकी फिनिशिंग निखर कर आ सके। ठीक बात है। आगे और आए, वुडन ब्लॉक्स इस तरीके से रहते हैं, फिर हम लोग उनको कटिंग करके रिसाइज करके कटिंग इसमें किया। अच्छा, रॉ इस तरीके से देखिए ट्री से निकल करके आते हैं ब्लॉक्स, उसके बाद कटिंग होती है। कटिंग ये मशीन है, इस पे कटिंग होकर अच्छा फिर हम लोग जॉइंट्स को जोड़ते हैं। हाँ, उसके बाद फिर कार्विंग करते हैं उसमें। फिर कार्विंग करते हैं। ये देखिए ब्लॉक्स हैं। इसके अलावा मैं आपको थोड़ी सी और चीज दिखाऊं, अच्छी आइटम दिखाऊं जो टर्किश स्टाइल में रहता है। हाँ, ये हमारा डाइनिंग सेट है। चूंकि यहाँ पे डस्ट बहुत ज्यादा रहती है क्योंकि आप समझ सकते हैं कि ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। बिल्कुल, आप इसका कार्विंग वर्क देखिए, डिटेलिंग कार्विंग वर्क देखिए, और ये टोटल पूरा का पूरा कार्विंग वर्क में है, पूरा टिकुड है ये। बिल्कुल, और इसकी जो चेयर्स रहती है ये इसका, ये डुअल साइड कार्विंग वर्क है। ये इसका बैक साइड का व्यू है, और अगर आप इसका फ्रंट साइड का व्यू देखेंगे तो फ्रंट साइड का व्यू इस टाइप से रहता है। ये है इसकी चेयर, बेहतरीन। बाकी अगर आप और आएंगे तो इसका लेग देखिए कितना हैवी बनाया गया है। हाँ, कितना हैवी बनाया गया है। तो हमारे यहाँ इस तरीके का फर्नीचर अगर आप देखेंगे, तो हमारे यहाँ जितना भी फर्नीचर बनाया जाता है वो प्रीमियम क्वालिटी में बनाया जाता है। मतलब अगर जैसा आपको साइज दोस्तों आपको चाहिए वैसा बनवा सकते हैं। बाकी जैसे ये डाइनिंग सेट मैं आपको दिखा रहा था, हमारे यहाँ टोटल हैवी आइटम ही बनाते हैं। ये देखिए आप, ये भी डाइनिंग टेबल सेट है, कितना जबरदस्त बना रखा है। ये अभी इनकम्प्लीट है। अच्छा, क्योंकि ये इसलिए इस साइड में पड़ा है, इस पे इसका जिन क्लाइंट का ये है उनका और भी काम चल रहा है, तो ये अभी रखा हुआ है। बाकी अगर आप इसको देखेंगे, ये जो टर्किश स्टाइल में आप सोफा देख रहे हैं, हालांकि ये दोनों चेयर्स अलग हैं, ये चेयर है, ये सोफा चेयर अलग है। आप टर्किश स्टाइल में ये देखिए सोफा सेट, इतने ब्यूटीफुल कार्विंग वर्क में, मतलब इस तरीके से देखिए पूरी फैक्ट्री हम दिखा रहे हैं आप लोगों को, किस तरीके से देखिए फर्नीचर बनाए जाते हैं। बाकी मैं आपको और चीजें दिखाता हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ रेगुलर बेसिस पे ये सारी चीजें बनती रहती है। जैसे की ये कंसोल रखी हुई है, ये अभी अनफिनिश है, इन कस्टमर का काम चल रहा है, कुछ पे का चल रहा है, कुछ का अभी उन पर काम बाकी है। बिल्कुल, ये देखे डाइनिंग सेट का ये भी पिलर रखा हुआ है। राइट राइट, और अगर आप पीछे देखेंगे ये सिर्फ फ्रेम नहीं है, ये हमारे जो वार्डरोब होती है स्मॉल वार्डरोब, अच्छा, ये उनका स्ट्रक्चर है, अच्छा, तो अभी ये रेडी किया जा रहा है। तो अगर आपको भी फर्नीचर में प्रीमियम क्वालिटी में कोई आइटम चाहिए तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अगर आपको अपने घर को रॉयल बनाना है रॉयल फर्नीचर से जी, तो आपको जो कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर शो हो रहा है वो उसके थ्रू आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। राइट, और हमारे यहाँ आप फैक्ट्री विजिट कर सकते हैं। ओके, हमारी फैक्ट्री जो लोकेटेड है वो सहारनपुर में, डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर, स्टेट उत्तर प्रदेश, सहारनपुर में चिलकाना रोड पर स्थित है। बिल्कुल, और
कोई भी प्रोडक्ट है, चाहे आपका बेड है, सोफा है, हम लोग फर्नीचर में हर एक आइटम में डील करते हैं और क्लाइंट की डिमांड के अकॉर्डिंग और जो भी आपकी डिमांड होगी, चाहे वो साइज में है या पॉलिश कलर में या पॉलिस्टी वर्क में है, डिज़ाइन में है, तो हर एक तरीके से कस्टमाइजेशन का ऑप्शन अवेलेबल है। आप अपने हिसाब से इसको डिज़ाइन को बनवा सकते हैं और घर बैठे मंगा सकते हैं और घर पर बैठे मंगा सकते हैं। हमारे यहाँ आपको होम डिलीवरी दी जाएगी, डोर टू डोर डिलीवरी। अच्छा, ट्रांसपोर्ट का जो खर्चा होगा वो अलग से होगा, पैकिंग वैकिंग सब अलग वो डिपेंड करता है, जब वो प्रोडक्ट की डील होती है तो डिपेंड करता है कि हाँ वो किस तरीके से क्लाइंट चाहता है। ओके, तो और आपको चाहे देश में बैठे हो या विदेश में बैठे हो तो आप हमारे यहाँ दोनों अक्रॉस द वर्ल्ड डिलीवरी अवेलेबल है। तो दोस्तों आइए, बेस्ट ऑप्शन देखिए आप लोगों को सर के पास से देखिए मिल जाएगा, मतलब टॉप क्वालिटी और बेस्ट प्राइसिंग के साथ। देखिए आप लोग वुडन फर्नीचर ले सकते हैं, मेन चीज है प्रीमियम क्वालिटी। हम लोग सिर्फ टीक वुड ए ग्रेड में ही मोस्टली वर्क करते हैं, हम लोग प्रीमियम क्वालिटी फर्नीचर बनाने के लिए ही जाने जाते हैं और हम लोग वो जो टेम्परेरी और जुगाड़ू फर्नीचर होता है उसमें हम लोग बिल्कुल डील नहीं करते। बिल्कुल बिल्कुल, देख सकते हैं दोस्तों बेहतरीन फिनिशिंग आप लोगों को मिलेगी कहाँ पर, सर के पास।